डॉक्टर साहब, एक और चीज़, एक सवाल ये भी आता है कि जो टीन एज बच्चे हैं खासतौर पे, ये वालदेन को टाइम नहीं देते और गैजेट्स में ज़ाहिर है वो लगे हुए हैं या दीगर कामों में लगे हुए हैं। अब वालदेन को ये एहसास हो रहा है कि हमारे बच्चे हमारे साथ बैठने को तैयार हैं, ऐसे वालदेन को आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या ऐसा वो करें कि ये बच्चे वापस उनकी तरफ लौट कर आएँ या उनकी जो एक रेपो है वो दोबारा से बिल्ड हो सके? पहली बात है कि मुझे वालदेन और ख़ास तौर से माएँ और बहनें मेरी, वो तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं करती, नहीं, ऐसी क्योंकि बात मैं बहुत प्रो बच्चा हूँ। बच्चे मेरे लिए बड़े सेंसिटिव हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 4 कॉन्टिनेंट्स के अंदर गुज़िश्ता 28 साल से मैं अपनी सफ़र में हूँ। मेरा अपना बेटा है, बेटी है, माशाल्लाह अब तो बहू भी है, तो मैं उस साइकिल को जानता हूँ। मैंने, और जिस तरह के बच्चे हमारे सेंटर में आते हैं, रिबेलियस बच्चे हैं, उसमें ड्रग एडिक्ट बच्चे हैं, उसमें सुसाइड अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, उसके अंदर इस्लाम से दूर होने वाले बच्चे हैं, माँ बाप के ऊपर असला तान लिया वो वाले बच्चे भी हैं। लेकिन मैंने अपनी से 28 साल ज़िंदगी के अंदर बच्चों को कसूरवार नहीं पाया है। जो भी उनका अमल था जिसकी वजह से आप मेरे पास लाई, उनका रिएक्शन था, जी बिल्कुल ये सही उनका रिएक्शन था। जी। कसूर ज़ाहिर है प्राइमरी केयर गिवर्स और उन्होंने जो इन्वायरमेंट उनको दी, पेरेंट्स और जो भी इन्वायरमेंट उन्होंने उनको दी, जी वो है उसके बराह रास्त कसूरवार। सवाल ये है कि जिस बच्चे को वक्त की ज़रूरत थी, तवज्जो की ज़रूरत थी, लम्स की ज़रूरत थी, उस वक्त आप वहाँ नहीं थे। 14 साल के बाद आपको ख्याल आया कि अब मैं क्योंकि फारिग हूँ तो प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाए। क्यों आए? मैं आपका बच्चा हूँ, मैं ना हूँ सीधी सी बात है, क्यों सही आऊँ? मेरे पास आपके लिए क्या, मेरे लिए आपके क्या दिलचस्पी है? सवाल ये है कि जहाँ मेरी दिलचस्पी है मैं वहाँ जाऊँगा। सही आप मेरे लिए, मैं क्यों आऊँ भाई? मेरे लिए क्या दिलचस्पी रखी है आपने? और मैं तो ऑब्वियसली कनाडा के अंदर और यूके के अंदर बड़ी मैंने काउंसलिंग की अमेरिका में, वहाँ ये कहते हैं जी हमने इन्हीं के लिए, आप झूठ तो बोले ना उससे। आप अपना स्टेटस अपग्रेड करने में लगे हुए थे, किराए के घर से बड़ा घर हो जाए, नई गाड़ी आ जाए, पर्दे नए हो जाए, फलाना हो जाए, धमाका हो जाए, आप उस चक्रों में लगे हुए थे। अब आपको ख्याल आ गया कि मुझे बच्चों से बात करनी है, उस वक्त आपके पास टाइम नहीं था, आज बच्चों के पास टाइम नहीं। आपको मेरी बात बहुत कड़वी लग रही होगी लेकिन हकीकत यही है। नक्शा मैंने इसलिए खींचा कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि बच्चे रिमोट कंट्रोल से चल जाएं, तो फिर भूल जाइए। सही, फिर नहीं चलते वो। पहले तो आप गलती का एहसास हो, और गलती का एहसास क्या, जो तौबा के स्टेप्स अल्लाह ने बताए वो स्टेप्स आपको भी करने पड़ेंगे। आपको रुजू करना पड़ेगा, बच्चों को सॉरी बोलना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा कि क्या वजूहत थी जिनकी वजह से आपसे गलती हो गई। बट नाउ यू वॉन्ट टू बी देयर फ्रेंड्स। आज के दौर में अगर कोई समझता है कि दोस्ती के बगैर, दोस्त बनाए बगैर, उनके मैप ऑफ द वर्ल्ड में जाए बगैर आप उनको अपने से करीब कर लेंगे, फॉरगेट इट, पॉसिबल नहीं। फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। आपको अपने बच्चों के लेवल पे आके उनकी दिलचस्पी का सामान अपने अंदर पैदा करना होगा। सही, यानी पहले उनसे एक्सक्यूज किया जाए, फॉर श्योर, उसके बाद उनसे कनेक्ट किया जाए कनेक्ट किया जाए और उन्हीं की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हुआ जाए। सही, उनकी एक्टिविटी में आपको अपना इंटरेस्ट लेना होगा। सही, जो उनकी एक्टिविटी है उसमें आपको इंटरेस्ट लेना होगा, फिर वो आपके साथ वो एंजॉय कर सकेंगे। आपको उनके मतलब का फूड खाना होगा, सुन लीजिए, आपको पिज्जा पास्ते खाने होंगे। आप मूली की भुजिया खाने वाली कौम नस्ल नहीं है क्या? आप इसकी इफादियत बताएंगे और वो खा लेंगे? नहीं खाएंगे। अगर आपने शुरू के अंदर उनको ऑप्शन नहीं दिया होता तो 100% खाते, ठीक है, 100% खाते। आपने किसने पिज्जा किसने ला के रखा उनके आगे, पास्ता किसने ला के रखा आगे, फ्राइज किसने ला के रखे आगे? आपने, आपने, आप असर्टिव होते, आप मूली की भुजिया सामने रखते, वो रोता, आप ना देते, शाम को चुपचाप खा लेता और अगर वाकई आपने अच्छी बनाई होती तो आज शायद मांग के खा रहा। सही आपको कुकिंग स्किल भी, कुकिंग ऑब्वियसली। आप क्या चाह रहे हैं ना, एक खातून ने मुझे, मतलब मैं किसी प्रोग्राम के अंदर था, कुछ उन्होंने अजीब गरीब किस्म की चीज बनाई जो दिखाने थी उस पर, तो कह लेंगे कि मेरा बच्चा जो है ना ये नहीं खाता। मैंने कहा ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी नहीं खाऊं मेरे लिए उसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। जो चीज आप बना रही हैं उसके अंदर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, मैं ही ना खाऊं। सही, बच्चा किस क्यों खाएगा वो? तो आपको अब, क्योंकि अगर आपको रिपेंटेंस का ख्याल आया है तो आपको बच्चे के लेवल पे जाना होगा, बच्चे की एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना होगा और उस एक्टिविटी से आपको बच्चे को अपने क्लोज करना होगा। सही, बच्चे को आपको ट्रस्ट देना होगा कि वो आपके पास अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेके आ सकता है। सही, बजाय इसके किसे पहले कि आप फतवे लगा दें उसको दीन के और बिगड़ गया फलाना, आप उसको ये स्पेस दे दें कि आपसे वो हर बात, हर बात करेगा, हर बात वो आपसे आगे कर सकता है, और आप उसको सब, मतलब उसको सेफ्टी का एहसास दिला दें।
कि यार मैं फंस गया हूँ, गलती हो गई है, लेकिन मैं अब्बू के पास जाता हूँ, थोड़े बहुत बना लूंगा, अम्मी के पास जाता हूँ बना लूंगा। ये क्लोजनेस आपको लानी होगी। सही, आपने कहा क्या काम किया, अम्मा ने खामखा में अब्बा को बुरा शो किया सारी जिंदगी, ऐसा ही है ना, बाप तेरा ऐसा, बाप तेरा ऐसा, बाप फलाना ऐसा, या बाप से खामखा में डराया, फिर बाप को हवा बनाया, वो ऐसे इतना दूर 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 होता चला गया। अब वो बाप जो है वो आज तरसता है, वो कहता है अरे मैं तो इतने खौफनाक शख्सियत से कौन जाएगा, इनसे करीब कौन जाएगा, ये वाली काम भी तो नहीं की ना आपने। तो इस तरह की बहुत सारी जो आपने डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस कम करना होगा। सही, आप उसको अपने सामने नहीं बिठा सकते जबरदस्ती, बैठ जाएगा ना, आई कॉन्टेक्ट करेगा ना, कहेगा अच्छा जाऊं हो गया मेरे टाइम, सही ये करेंगे ना आप ज्यादा साथ, और फिर आप दुख होगा, फिर आप रोएंगे ये देखें क्या होगा फलाना होगा। तो आपको आपको अपनी कोताही को कवर करना होगा।